आप किस प्रकार से इस संस्था जुड़ रही हैं? किस प्रकार से मतलब प्रकार क्या सहयोग रहेगा, क्या कुछ कर सकते हैं? Whatever I can help, I will be definitely work. मैं अपना काम के साथ साथ बहुत सारी ऐसी समस्याएं हमारे कान तक भी आते रहती है, छोटी छोटी लोगों की समस्याएं, फाइनेंशियली नॉट फिट एंड ट्रैवल इश्यूज, एम्बुलेंस नहीं मिलती उनको, जैसे कि सर ने मतलब आज वर्सोवा और सेवन बंगलो, इट्स अ वेरी बिग एरिया, बट आज सर ने एक बहुत बड़ी बात बोली कि फायर ब्रिगेड नहीं है उनको यहाँ पर. बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, लोगों से मिलने के बाद ज़्यादा पता चल रहा है. तो मेरे लिए भी मुझे ऐसे लग रहा है कि हर चीज़ें, छोटे से छोटा इशू इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली द ट्रैफिक. आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ मुंबई एंड आई थिंक सो इट्स एवरीवेयर, इट्स पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट्स वेरी नॉर्मल. बट हर एक, जैसे कि इन्होंने सीनियर सिटीजन को लेके बोला, सोशल मीडिया को लेके बोला, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पर आपको मदद चाहिए लेकिन मिलती नहीं है, चाहे लीगल इश्यूज हो, चाहे पारिवारिक इशू हो, एंड एनी काइंड ऑफ हेल्प दैट यू नीड, आई थिंक वॉइस ऑफ सिटी इज़ गोइंग टू हेल्प. कलाकारों की काफ़ी समस्या आती है कि उनका पेमेंट सही समय पर, टाइम समय पर नहीं मिलता है, वैसे भी समस्या है कि ऐसी भी समस्या यहाँ पे आ सकती है. अब तो कोई प्रोड्यूसर ऐसे नहीं करता है, सिमटा इज जिंदाबाद, और फिर आप लोग भी छोड़ते नहीं हो, बराबर कूट देते हो, तो आपके डर से मुझे नहीं लगता वॉइस ऑफ सिटी में आने की जरूरत पड़ेगी उस चीज, बट यस इफ रिक्वायर्ड आई थिंक फाल्गुनी इज देयर एंड वॉइस ऑफ सिटी इज गोइंग टू हेल्प फॉर श्योर. आपके कौन से मुद्दे जो मतलब सोसाइटी के लोगों के लिए? मेरा मुद्दा तू है, जब भी आता है लेके आता है. हमारी सोसाइटी को लेके अगर बात करो तो डेफिनेटली रोड्स आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका टाइम आधा सिर्फ ट्रैवलिंग में चला जाता है. इट कैन बी मोर इजियर, मेट्रो बन रहा है, बट मेट्रो के साथ साथ वाटर लॉगिंग भी बहुत बार हो जाता है. बॉम्बे इज आई थिंक वेरी फेमस बारिश में भर जाना, और फिर बच्चे मतलब कई बार बह जाते हैं, पता नहीं चलता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं सब हमारे तक पहुंचती. तो मैं तुम तक आऊँगी बताने, और तुम सॉल्व करना, फिर वॉइस ऑफ सिटी में हम लोग ये क्लियर करेंगे. सर आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, राखी सावंत के प्रॉब्लम के बाद वाकई में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. काफी लोग मुझे पकड़ पकड़ के बोलते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर. देखो, पॉसिबल नहीं हो पाता कई बार कि हर एक की प्रॉब्लम सॉल्व करें, क्योंकि सोशल मीडिया इतना वास्ट हो गया है कि आप मेरे इनबॉक्स में जाएंगे तो डेली कम से कम 25 से 50 मैसेजेस आते हैं कि आपने राखी की मदद की, आपने इसकी मदद की, आपने उसकी मदद की, लेकिन हमारी मदद नहीं करते हैं, आपके सिर्फ टिक ब्लू टिक वालों की ही मदद करते हैं क्या? तो ऐसा नहीं होता है. देखिए, जहाँ तक हमारी पहुँच है, एक लिमिटेशन है, हम उतने काम कर सकते हैं, और इसी के लिए फाल्गुनी ने आज ये एक एनजीओ फॉर्म किया है, जो जिसकी मदद शायद हम नहीं कर पाते, वो ये संस्था कर पाएगी. ये संस्था तक मैं उनकी मजबूरियां पहुंचाऊंगा और उनकी तकलीफों को पहुंचाऊंगा, एक ब्रिज का काम करूंगा मैं, ताकि उनका और इनका जो गैप बना हुआ है वो पूरा किया जा सके. मेरा ना सवाल काम कर रहे हैं, क्या है ये इंटरव्यू और आज जो यहाँ पे फॉर्म किया गया उसके बारे में क्या क्या डिस्कस हुआ, थोड़ा सा विस्तार में बताया मेरे दर्शकों. वॉइस ऑफ सिटी एक इनिशिएटिव है जो सोशल, सिविक और लीगल इश्यूज पे काम करेगी. मेरे साथ डॉक्टर मोमिन बैठे जो हमारे टीम मेंबर है, मिसेस शांबा सुवर्णा जो एक्स एजुकेशनिस्ट रही है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी बिलोंग करती. हमने एक लाइक माइंडेड पीपल को साथ में, लोगों को लेके एक कोशिश की है कि हम लोगों तक पहुँचे, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करें, वो किसी भी प्रकार के हो गए. हम यहाँ पे प्रोमिसेस या अश्योरेंसेस देने के लिए नहीं बैठे हैं, हमें आप लोगों को और जनता, जो लोग आज इतने लोग आए हैं और जो पब्लिक एट लार्ज है, जिनके लिए हम कल खड़े रहेंगे, उनके इश्यूज सॉल्व करेंगे, उनको हमें करके दिखाना है. बोलने वाले तो बहुत बोलते हैं, करने वाले बहुत कम होते हैं, बट हमारा एम यही रहेगा, हम बोलेंगे कम करेंगे ज़्यादा,
और आने वाले दिनों में आपको हमारी एक्टिविटीज़ के बारे में धीरे धीरे हम बताते जाएंगे। कोशिश पूरी पूरी रहेगी, चाहे वो ड्रेनेज का मुद्दा हो, चाहे पॉट होल्स का हो, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का सिविक, सोशल और लीगल इशू होगा, हम तक जब वो कंप्लेंट आएगी व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा, फोटोग्राफ्स आएगी या कोई भी प्रकार की रिटर्न हमारे पास कंप्लेंट आएगी, हमें एक फ़ोन कॉल भी आएगा आधी रात को, तो हमारी पूरी टीम उनके लिए खड़ी रहेगी और हम एक ब्रिज बनेंगे पब्लिक के बीच में और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, लोकल बॉडीज़ के बीच में। हमारा काम एक ब्रिज का होगा, हम दोनों को, इनका प्रॉब्लम है, हम इनका प्रॉब्लम वहाँ तक पहुँचाएंगे और उसे सॉल्व करेंगे। वी विल बी काइंड ऑफ मीडिएटर्स। हमें ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करना है, ना हमें किसी गवर्नमेंट अधिकारी को टारगेट करना है, हमें हमारा काम प्रोफेशनली, लीगली और ग्रेसफुली करना है। ये बाधाएँ बहुत आएगी, मुश्किलें बहुत होगी, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अच्छी तरीके से उसे, उस पर काम करें। और इसमें एक ही चीज़ होती है, आप कोई भी सोशल एक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी एनजीओ ऑर्गेनाइज करो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप स्थापना करो, आपका डेडिकेशन होना चाहिए। डेडिकेशन होने के बाद जब हमारी डेडिकेशन लोगों तक दिखेगी कि हम बार बार फॉलोअप कर रहे, काम करा रहे, धीरे धीरे जब काम होते रहेगा तो हमें उसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे। मैम, आपके लिए भी सोशल मीडिया में आप लोग टैग करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए सरकार को आप इंटरफेयर नहीं करना चाहते, कोई अथॉरिटी को आप इंटरफेयर, लेकिन टैग करके कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि सरकार को आप उनको डिफेंड कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ से गवर्नमेंट को आप डायरेक्टली सोशल मीडिया में वो करेंगे, आप टैग करेंगे मुझे लगता है सोशल मीडिया एक ईजी जरिया बन गया है। घर पे बैठ के भी हम हमारी ग्रीवेंसेस कंसर्न अथॉरिटीज तक या मिनिस्ट्री तक या पहुँचा सकते हैं और उसका काफ़ी असर भी होता है। इसलिए आज हमने इतने सेलिब्रिटीज़ को, जैसे सलमान है, रश्मि जी, और अभी तक हमारे जो भी गेस्ट आए हैं, उनको इन्वॉल्व करना और उनको इनवाइट करने का मकसद ही है क्योंकि इनकी रीच ज़्यादा होती है। हम इस चीज़ को पूरे इन लोगों के ज़रिए और भी बहुत लोगों के ज़रिए इसको फॉरवर्ड्स करेंगे, सोशल मीडिया पे इसकी अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। और ऑब्वियसली सोशल मीडिया से नहीं होगा तो हम तो वहाँ तक पहुँचेगी भी, ऑर्गेनाइजेशंस तक, लोकल बॉडीज तक पहुँचेगी भी, और बाद में न्याय नहीं मिला तो बीइंग एन एडवोकेट हमें पता है कि हमें कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाने का एक ये होता है कि अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट में कोई चीज़ है, अगर आप कोई वॉइस रेस कर रहे हो तो आप कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हो। तो हर चीज़ से आप बोल के कोई मतलब नहीं है, बच्चे को थप्पड़ मार के भी सुधारा जा सकता है और प्यार से रिक्वेस्ट करके, हाथ जोड़ के भी उससे चीज़ें करवाई जा सकती है। तो हमें प्यार मोहब्बत से काम कराना है। राशि जी, आप भी जुड़े हैं, आप हमेशा से जुड़े हैं, चाहे राखी सावंत का मुद्दा हो या आप फाल्गुनी जी के साथ आप जुड़ रहे हैं, क्या मेरे साथ इस तरह का होने वाला है? वॉइस ऑफ सिटी ने मुझे फर्स्ट टाइम कुछ मेरे काम के अलावा करने का चांस दिया है, तो मैं तो कोशिश करूँगी। फाल्गुनी मैडम आगे आगे है, मैं उनके पीछे पीछे उनके साथ में रहूँगी। और जैसे कि हमारा स्लोगन है वॉइस ऑफ सिटी का, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, तो मैं ये चाहूँगी आप लोग भी ये याद रखें, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। वॉइस ऑफ सिटी, आपने, आपको पता होगा वॉइस ऑफ सिटी के पहले भी बहुत सारे एनजीओ चल रहे हैं, कर रहे हैं। सबका ऑब्जेक्टिव वही होता है कि लोगों को सर्व करना, लोगों की समस्या देखना। मगर वॉइस ऑफ सिटी डिफरेंट क्यों है? क्योंकि वॉइस ऑफ सिटी खाली प्रॉब्लम लेके जाएगी नहीं, लोगों के प्रॉब्लम के साथ जो होता है ना सोल्यूशन होता है। जो एनजीओ सोल्यूशन लेके जाती है अधिकारी के साथ, एडमिनिस्ट्रेटर के पास, और वहाँ पे उनको सोल्यूशन आउट ऑफ द बॉक्स दिखता है, तो वो सोल्यूशन शायद एडमिनिस्ट्रेटर मान लेगा। ये डिफरेंस है जो वॉइस ऑफ सिटी लोगों के लिए महाराष्ट्र मुंबई में ला सकती है और वो लाएगी। जैसे जैसे बम्बई में, आपको कितने साल हो गए सर बम्बई में रह गए?
हमने आज तक बिजली कभी गई नहीं है। 35 साल से मैं बिजली के बिजनेस में अडानी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आज हमने हमारी जो प्लानिंग होती है, हमारी स्ट्रैटेजी होती है, जो जो हम करते हैं ना, हमारा एक ही ऑब्जेक्ट भी होता है कि मुंबई में कभी भी लाइट जानी नहीं चाहिए, और आज तक हम सक्सेसफुल रहे हैं। उसी सिलसिले से सेम लाइंस में वॉइस ऑफ सिटी भी काम करेगा, पूरा लोगों के साथ काम करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करेगा, और बॉटम लाइन वही रहेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन खुश, लोग खुश, आपकी जो लिविंग है ना, हर इंसान की जो लिविंग होती है वो अच्छी होनी चाहिए, सुविधा अच्छी होनी चाहिए, वो उसके लिए पूरी कोशिश वॉइस ऑफ सिटी के माध्यम से किया जाए। और कितना जरूरी है अवेयरनेस सोसाइटी में लाना, क्या कुछ है? यार फर्स्ट ऑफ ऑल यही बात है, हमारे समाज में नहीं, हमारे देश की बात नहीं करूँगा, दुनिया में हर जगह पे प्रॉब्लम्स कहाँ नहीं है, तो प्रॉब्लम्स हर जगह है। मेरा ऐसा मानना है कि प्रॉब्लम से ज़्यादा अगर हम सॉल्यूशन पे बात करें तो शायद वो चीज़ें बेहतर होगी। और मेरा इनिशिएटिव यहाँ पे सिर्फ इतना हो सकता है कि मैं एक अभिनेता हूँ, मुझे कुछ लोग जानते हैं, अगर मैं उन लोगों को, अगर किसी को परेशानी होती है और अगर उन्हें कुछ हेल्प चाहिए मुझसे, तो हो सकता है कि मैं उनको कनेक्ट कर सकता हूँ इस संस्था के थ्रू। हो सकता है कि उन लोगों के लिए ये चीज़ें थोड़ी सी फ़ायदेमंद हो, उनकी जो दिक्कतें हैं लाइफ की वो आसान हो जाए। तो अगर उस तरह के किसी भी कार्यक्रम में अगर मैं एक छोटा सा जरिया बन सकता हूँ, माध्यम बन सकता हूँ, तो मुझे बेहद खुशी होगी। तो बस आज उसी माध्यम बनने के लिए मैं यहाँ पर हूँ आप लोगों के साथ में, और मेरी ढेर सारी दुआएं हैं इस टीम के साथ, वॉइस ऑफ सिटी के साथ में, कि ये लोग अच्छा काम करते रहें, लोगों के काम आते रहें, लोगों की समस्याएँ जो हैं उसे कम या ख़त्म करने की पूरी पूरी कोशिश करते रहें। जी खबरें बहुत अच्छी हैं, शो हमारा बहुत ही अच्छा था। फिलहाल मुझे सेकंड के लिए कोई कॉल फिलहाल तक कोई भी नहीं आया है, अगर आता है तो मुझे बेहद खुशी होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये इतना प्यारा शो है कि हमारे ऑडियंस को बहुत पसंद आता है। तो प्लीज़ आप यही सवाल जो है चैनल से जाके पूछिए, थोड़ा हमारा भी काम हो जाएगा। अच्छा अच्छा, आप गलत इंसान से सवाल पूछ रहे हो, क्योंकि मुझसे ज्यादा जानकारी आपको होगी। ओके, तो लेकिन आप पास करना पसंद करेंगे अगर ऑफर आएगा तो? यार काम करना किसे पसंद नहीं होता है, और मैडम सर बहुत ही प्यारा और कमाल का शो है, तो उसका पार्ट बनने में तो जाहिर सी बात है खुशी होगी मुझे। सर ये एक संस्था ऐसी है कि जिसमें हम लोग दूसरों को सपोर्ट कर सकते हैं कि ठीक है आपका एक प्रॉब्लम है, जैसे आजकल बहुत प्रॉब्लम है कि रोड पे आप चल रहे हो इतने बड़े बड़े खड्डे को भरे नहीं गए, वो चलता ही रहेगा, अभी जैसे बारिश आने वाली है तो भारत का हिंदुस्तान का पूरा नक्शा ही बदलने वाला है, तो उसके लिए हम लोग करेंगे कोशिश कि हम कुछ कर सकें। वॉइस ये सब समस्या तो बचपन से देखते आ रहे हैं, कितना बदलाव आया है पहले और अब सर? मुझे तो कुछ बदलाव दिखाई नहीं, जो सच्ची बात है बदलाव सर, बदलाव हमको लाना पड़ेगा, बदलाव आता नहीं। अब ये आपने बहुत ही सीधा सीधा सवाल पूछ लिया, इसका सीधा जवाब दे नहीं पाऊंगा, हमें पता है बहुत सारी समस्या है, उस पर ना मैं कुछ बोल सकता हूँ, हो सकता है कि मैं कुछ बोल दूँ कल को मुझे चार लोग पकड़ ले, तो मुझे बोलना तो कुछ नहीं है उन समस्याओं के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा मेजर है, बट जिन बातों को लेकर मुझे थोड़ा सा दुख होता है, मुझे सबसे पहले लगता है, मुझे सबसे बड़ा जो तकलीफ़ होती है सुनकर, न्यूज़ में सुनता हूँ, मुझे जब भी बलात्कार या उससे संबंधित कोई सी भी न्यूज़ आती है ना, बाखुदा मुझे यहाँ पर दुख होता है, वो एक समस्या मुझे सबसे ज़्यादा घिनौनी लगती है, नीच लगती है,
मैं चाहता हूं हमारी हिंदुस्तान सरकार को कि उस चीज़ के ऊपर इतना ज़बरदस्त कानून लेकर आए कि किसी की हिम्मत क्या सोच भी ना सके इस तरह सा गंदा काम करते हुए, क्योंकि मुझे मेरे हिसाब से सबसे बड़ी समस्या वो है। उसके अलावा हर चीज़ का सोल्यूशन इंसान खुद निकाल सकता है। वो एक चीज़ ऐसी है जिसके वजह से पीड़िता और उसके पूरे परिवार की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या मेरे हिसाब से वो है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें, बाकी चीज़ें आती जाती रहेंगी लाइफ में। थैंक यू। आपने जो अभी सवाल किया है कि जो बम्बई में काम चल रहा है इस वक्त, उसकी वजह से रोड की हालत ख़राब है सब जगह। अब ये तो डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। आज अगर हम ये तकलीफ उठा लेंगे तो शायद 2 साल बाद 4 साल बाद हमारे आगे की जो जनरेशन है उसके लिए ये अच्छा रहेगा। रही बात आज के लिए, हम कोशिश ये करेंगे, जैसा कि मैं आपके एक सवाल को इसमें जोड़ना चाहूँगा, आपने कहा कि सोशल मीडिया पे जाकर अब्यूज़ होने लगेगा। आज प्रधानमंत्री ने भी एक पोर्टल खोल के दिया है कि आप मुझसे कॉन्टैक्ट करो, तो उसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया जो है अच्छे काम के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो सोशल मीडिया पर अगर हम प्रधानमंत्री तक को टैग कर सकते हैं, तो फिर जो लोकल ऑफिसर्स हैं, लोकल गवर्नमेंट है, लोकल दूसरे जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जो लोगों की मदद कर सकती है, तो हम उनको क्यों ना टैग करें। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल यहाँ पर अच्छे काम के लिए होगा, अच्छे तरीके से होगा। वॉइस ऑफ सिटी का एक जो मेन मुद्दा रहेगा वो ये रहेगा कि हम कहीं भी कहीं किसी तरह की लड़ाई नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम ऑफिसर्स से या जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे मिलके लोगों का काम पूरा कर सके और अच्छी तरह से कर सके। हमें किसी से कोई मतभेद या मनमुटाव नहीं लेना है। कोई अगर समस्या हमारे पास आती है तो हम अपने लेवल पे, आज आपने देखा यहाँ पे जो भी 150-200 लोग थे, हर एक आदमी की कहीं ना कहीं कोई ना कोई पहचान होगी, उसको हम इस्तेमाल करेंगे अच्छे काम के लिए, दूसरों के भले के लिए। और सोशल मीडिया का जहाँ तक सवाल है उसको हम पॉजिटिवली यूज़ करेंगे। और रही बात रोड्स की, हम यही दुआ करेंगे कि ये जल्दी काम ख़त्म हो जाए और लोगों की जो समस्या है ट्रैफिक की, और आजकल सबको जो पहले घंटा पर पहले निकलते थे आज उनको 2-3 घंटा पहले निकलना पड़ रहा है। हम वही कोशिश करेंगे कि वो भी प्रॉब्लम हल हो। अगर ट्रैफिक के इश्यूज़ हम लेते हैं तो आज मेट्रो स्टेशन के पास जो ट्रैफिक जाम्स होते हैं बिकॉज ऑफ मेट्रो इट्सेल्फ, मेट्रो को बनाया गया था कि लोगों की ट्रैफिक की समस्या कम हो, लेकिन मेट्रो की वजह से ट्रैफिक की समस्या बढ़ गई है आज। तो देखेंगे अगर वो भी प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसको भी कैसे टैकल करना है, किससे मिलना है, ट्रैफिक अथॉरिटीज़ है या मेट्रो अथॉरिटीज़ है या जो भी होंगे, उनसे हम 1-to-1 डायलॉग लेके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। उन्हें हम आपसे जानना चाहेंगे कितना ज़रूरी है इस तरीके का वॉइस ऑफ सिटी अवेयरनेस लोगों में पैदा होना। हालांकि अवेयर हुए हैं लोग, लेकिन पहले की अपेक्षा अभी अवेयर हुए हैं, कितना ज़रूरी है और अवेयरनेस लाने की क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो अवेयरनेस लाना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर संस्था काम यही करती है कि लोगों को एजुकेट करे, जो आने वाली जेनरेशन भी होती है उनको अवेयरनेस लाए। एजुकेट करना, अवेयरनेस करना ज़रूरी, क्योंकि ऐसी बहुत सी कॉमन पब्लिक है जिनकी आवाज़ पहुंच नहीं सकती है ऊपर तक, और हम जैसे कॉमन मैन हैं जो उन कॉमन मैन की आवाज़ लेकर आएंगे, और आप मीडिया वाले जो वॉइस ऑफ सिटी को कल वॉइस ऑफ कंट्री बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे काम को आप कितना बड़ा बनाते हैं। तो आई विल गिव द क्रेडिट टू द एंटायर मीडिया टीम, क्योंकि आप ओवरनाइट किसी को भी स्टार बना सकते हैं, तो वॉइस ऑफ सिटी को तो वॉइस ऑफ कंट्री बना ही सकते हैं आप सब। तो कॉमन मैन की आवाज़ आप आगे लेकर जाइए हमारे थ्रू, बस यही कहना चाहूँगी। थैंक यू।